इलेक्टोरल बांड को लेकर सरकार, एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट में ठन गई है। बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बांड को खत्म करने का आदेश दिया था और 6 मार्च तक चुनावी चंदे से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने को कहा था, जिसके बाद से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून का समय मांगा था। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई हुई। एसी ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई और कल शाम तक की डेडलाइन दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। इलेक्टोरल बांड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बांड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजीआई डीवाई चलचूड़ ने कहा, पिछली सुनवाई 15 फरवरी जो हुई थी, अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? दोनों पक्षों की तरफ से खूब सवाल जवाब हुए। करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च यानी कल तक सारी जानकारी का खुलासा करे। वहीं इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। कोर्ट ने यह भी कहा, एसबीआई अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बांड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। अब देखना होगा कि एसबीआई कल तक के जारी करती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।